तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को कैसे कंट्रोल करें। पहले हम खोलेंगे टच आईडी। तो मेरे पास ये 3 फिंगरप्रिंट सेंसर है, मैं पहले इनको डिलीट कर देता हूँ। देख सकते हैं आप, मेरे पास अब कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। अब मैं ऐड फिंगरप्रिंट करता हूँ। देख सकते हैं मैंने खा लिए, अब मैं इसको ऐड करूँगा। देख सकते हैं आपके पास, मेरे पास एक फिंगरप्रिंट है, मेरे पास एक ही फिंगरप्रिंट है। चलिए आप इसको ट्राई करते हैं। पहले मैं इससे करके देखता हूँ, ये अनलॉक हो गया है। अब मैं इस वाले से करके देखता हूँ। देख सकते हैं आप, ये अनलॉक हो गया है मेरे पास एक। बस एक ही फिंगरप्रिंट है और ये फिंगरप्रिंट ये दोनों का है। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करो। मैंने तो सिर्फ आईफोन 6 में किया है, तो आप चाहें किसी फिंगरप्रिंट में फ़ोन कर सकते हैं, जैसे कि अपना ओप्पो हुआ, वीवो हुआ, एसर हुआ, टेक्नो हुआ, सैमसंग हुआ। मैंने तो सिर्फ आईफोन 6 में यूज़ किया। आप एप्पल के सारे प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।